दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। आपके अनुसार इंडिया का सबसे तेज और सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी वोडाफोन, ऑप्शन सी एयरटेल। आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप जियो के इंटरनेट सिम यूज़ करते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन चार तरीकों से आप जियो की जो सिम का जो आपका नंबर है वो पता कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे, शुरू से लेकर एंड तक का देख लेंगे, तो आपको यूट्यूब पर कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार तरीके बताने जा रहा हूँ। यहाँ चार तरीके बताऊँगा तो चार में से एक ना एक तरीका तो आपके डेफिनेटली वर्क करेगा, ठीक है। और चार तरीके बताऊँगा, केवल 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, पूरा देख लो वीडियो को। चारों तरीकों में, चारों तरीके वैसे तो गारंटीड वर्क करेंगे, लेकिन अगर आपका अगर एक भी तरीका काम करेगा तो आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको चारों तरीके जो बताऊंगा वो चारों तरीके बताऊंगा कि किस तरह से काम करेंगे और कैसे कैसे काम करेंगे। वीडियो बिल्कुल नया है और बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो आप पूरा देखना है शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका, पहला तरीका क्या है? पहले तरीके के लिए आपको सबसे पहले आपके फ़ोन के डायलर स्क्रीन के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक नंबर डायल करना है। ध्यान से देखना नंबर को, 1299। ये है दोस्तों जियो का ऑफिशियल नंबर। इस नंबर से आप जियो का डेटा बैलेंस भी चेक कर पाओगे, साथ के साथ में जियो का नंबर भी चेक कर पाओगे। 100% वर्किंग कोड है। इसको आप अपने जियो की सिम से कॉल कर एक बार कर देना, बस एक बार मिस कॉल मारनी है इस वाले नंबर से। आपका कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं कटेगा, और यहाँ पे कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं कटेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर के ऊपर यहाँ पे जो है एक मैसेज यहाँ पे आ चुका है, और मैसेज को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैलेंस फॉर योर जियो नंबर, वर्क फ्रॉम होम पैक, और ये डेटा मेरा अभी 2 GB का है, 2 GB मेरा बचा हुआ है, जिसके अंदर प्लान एक्सपायरी है मेरा 3 जून 2020 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोड है वो 100% जो है वर्क कर रहा है, उससे इससे जो है आप अपने जियो का नंबर जो है पता कर पाएंगे। तो ये तो था दोस्तों पहला तरीका जिससे आप कैसे अपने जियो का नंबर जो है पता कर पाएंगे। तो ये कोड 100% वर्किंग है, सभी सिम के अंदर, सभी स्टेट के अंदर, इंडिया की सभी स्टेट के अंदर काम करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कोड की। तो दूसरा कोड जो है दोस्तों, उसके लिए दूसरा कोड है USSD कोड। तो USSD कोड जो है दोस्तों एक ऐसा कोड होता है जो कनेक्शन डायलर कोड होता है, जिससे वो कभी कभी इनवैलिड भी आ जाता है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको बता देता हूँ कि कौन सा कोड है। अब जो कोड है दोस्तों USSD कोड दूसरे तरीके के लिए, यहाँ पे आपको एक नंबर डायल करना है *1#। तो आपको ये वाला नंबर डायल करके आपको अपने जियो सिम के अंदर कॉल कर देना है। ये आपको बता देता हूं दोस्तों, ये कोड किसी किसी सिम के अंदर काम करेगा, किसी किसी सिम के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कोड जो है लोकेशन बेस्ड कोड है। कनेक्शन इनवैलिड प्रॉब्लम आपको बता सकती है, जैसे रनिंग USSD कोड अगर मैं करता हूं तो यहां पे जो है कनेक्शन USSD प्रॉब्लम आ जाती है। आपको दिखा देता हूं अभी जो मैसेज, ये आप देख सकते हैं कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवैलिड कोड। तो ये कभी कभी आ सकता है, वो इसलिए आ सकता है दोस्तों क्योंकि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट पर रहते हो। आप राजस्थान में रहते हो या गुड़गांव में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, कौन से रहते हो, कौन सी जगह पर रहते हो, तो ये जो है लोकेशन के हिसाब से काम करता है। अब एक दूसरा कोड है *580#। तो ये जो कोड है *580#, ये वाला कोड भी जो है दोस्तों USSD वाला कोड है। तो ये हो सकता है कि आपके सिम के अंदर काम नहीं करे। अगर आपके सिम के अंदर काम करता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आपके सिम के अंदर काम नहीं करता तो भाई आप कमेंट के अंदर गाली मत लिखना, बस कमेंट के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये था दूसरा कोड जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया, मेरा केवल जो काम है वो है आपको जानकारी देने का। तो अगर आपके सिम के अंदर काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर नहीं कर रहा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब तीसरा कोड आपको बता देता हूं, तीसरा तरीका आपको बता देता हूं जियो की सिम करने यहां पे काम करने के लिए। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जियो पे एक माई जियो वाला एक एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो माई जियो वाला एप्लीकेशन। ये आपको जो है इंस्टॉल करना है अपनी जियो सिम के अंदर, और जब इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे आपको माई जियो वाला एप्लीकेशन ओपन जब आप करोगे तो यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे देंगे, या माई अकाउंट का नंबर, माई टेलीफोन नंबर, माई जियो नंबर, और यहाँ पे टॉक टाइम आपका, व्यू प्लान, और 1.99 GB आपका डेटा आ जाता है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप जो है मेरा जो है नंबर आ चुका है 7878 वाला, और यहाँ पे प्रीपेड देख सकते हो जियो का, और यहाँ पे फोन भी देख सकते हो कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन कौन सा जो है नंबर है, और किसमें उसमें कितना डेटा है। तो ये तो था तीसरा तरीका जिससे आप माई जियो एप्लीकेशन से जो है अपना नंबर चेक कर पाओगे। अब आपको चौथा तरीका बताता हूँ दोस्तों, चौथे तरीके के लिए आपको एक एप्लीकेशन डायलर करना है जिसका नाम है जियो कॉल, ठीक है दोस्तों। जियो 4G सर्विस या जियो 4G वॉइस, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिख जाता है जियो का। इस एप्लीकेशन को आपको अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है, सिंपली आपको ग्रांट एक्सेस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसको एक्सेस वगैरह दे देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है जितने भी जो अलाउ के जो बता रहा है, तो यहाँ पे आपको इसको एक बार एक्सेस दे देना है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है एक बार इस पर कॉन्फिगर करना है, रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर विद जियो सिम, तो यहाँ पे मैं एक बार रजिस्टर करके आपको दिखा देता हूँ कि इससे बेसिकली क्या होता है, कि ये क्या करता है दोस्तों, कि एक नया तरीके के जो है डायलर पे है जो कि आपके जियो सिम के जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो सब के सब जो है ले लेता है, इंस्टॉल कर लेता है, और एक नया आपको सेटअप करके दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेट स्टार्टेड पे आ जाता है, और ये गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको यूज़ बिल्ड इन पे क्लिक कर देना, और डिसमिस पे क्लिक कर देना है,
ठीक है दोस्तों। अब ये जो है सेटअप हो चुका है, इसमें जो है आपके जितने भी मैसेज वगैरह वो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह आ चुके हैं। एक तो आपको नया डायलर मिल जाता है, और दूसरी बात यहाँ पे आपको ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आओगे आप जो ऊपर ही ऊपर देख सकते हो मोबाइल नंबर ये वाला, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका दिख जाता है 787 वाला। यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको दिखा देता हूँ जियो कॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये चार तरीके हैं, इन चार तरीके से आप जियो के जो नंबर है आपका जियो का कौन सा नंबर है क्या है वो जो है पता कर पाओगे। आई होप, आशा करता हूँ इन चार तरीकों से कोई ना कोई तरीका तो आपके फोन के अंदर वर्क करेगा ही करेगा। अगर नहीं करा तो भाई वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर इन चारों में से कोई भी तरीका आपके फ़ोन के अंदर काम नहीं करता, वो तो रेयर केस है, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी अगर नहीं करता तो जियो क्या एक कस्टमर केयर का नंबर वो बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से देखना। जियो का कस्टमर केयर का नंबर है 198 पे कॉल करोगे, जियो का एक कस्टमर केयर का नंबर है। इस वाले कस्टमर केयर के नंबर पे आप कॉल करके जो है हिंदी इंग्लिश भाषा सेलेक्ट करके जो भी आप जो जियो के कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे एक बार फोन कर सकते हो, उनसे जो है नंबर वगैरह ले सकते हो, इंटरनेट का डेटा वगैरह बैलेंस वैलेंस कितना है क्या नहीं है वो सबका सब पूछ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया और मेहनत पसंद आए तो यार अगर आपको मेहनत अच्छी लगी वीडियो की तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार। और अगर आपको किसी दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी पता लगे कि जियो के कौन कौन से नंबर है जिनसे नंबर वगैरह पता करें, तो आप वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, जिन जहाँ भी आपको शेयर करना है शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सब, तब तक के लिए बोलते हैं मुझे बोलना जैसे।